टोमेटो सॉस और केचप का इस्तेमाल बेशक खाने में किया जाता है और सिर्फ एक्सेल पाउडर से गंदे कपड़ों की धुलाई कर चमकाया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल से कोई मन को मोहने वाला चित्र बना दे तो इसे भला आप क्या कहेंगे। जबलपुर के युवा और होनहार कलाकार सिर्फ टोमेटो सॉस, केचप और सिर्फ एक्सेल पाउडर ही नहीं बल्कि हल्दी, टूथपेस्ट और तन और मन को तरोताजा कर देने वाली चाय से भी सुंदर और आकर्षक चित्र बना लेते हैं। जबलपुर के रांझी इलाके में रहने वाले सिंटू मौर्या अपनी बेजोड़ कला से न केवल हर किसी का दिल जीत रहे हैं बल्कि अपने इस हुनर से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। उंगलियों का कमाल फिंगर पेंटिंग आर्टिस्ट के बारे में आपने कई बार देखा होगा और सुना होगा, लेकिन जबलपुर के रहने वाले सिंटू मौर्या के हुनर को देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जबलपुर के रांझी इलाके में रहने वाले सिंटू मौर्या खाने पीने की सामग्री से इतने सुंदर और आकर्षक चित्र बना लेते हैं कि नजर हटा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अपने इस अनूठे हुनर के चलते सिंटू जहां अपने दोस्तों में एक अलग पहचान रखते हैं तो कॉलेज के साथी भी उनकी इस काबिलियत के कायल हैं। हाल ही में सिंटू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर उबलती चाय के पानी से बनाई थी जिसे सोशल मीडिया में लाखों लोगों ने देखा और सराहा। देश और दुनिया की जानी मानी भागवत कथा वाचक जया किशोरी का चित्र बनाकर जब सिंटू ने उन्हें भेंट किया तो वे भी उसे अपलक निहारती रही। जया किशोरी ने भी सिंटू द्वारा बनाए गए चित्र को ट्वीट किया।